नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि CUT MBA का क्या कट ऑफ हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हमारे पास अवेलेबल है। आप YouTube पे अल्पाइन क्लासेस में जाकर आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आज हम एक बार फिर से आपको पहले 2021 का बताएंगे, उसके बाद 2022 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2021 में जो आपका CUT के अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं हुआ था, खुद का उन्होंने BHU MBA, वो भी मैं बता दूँ, BHU MBA FOC फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का मैं बात कर रहा हूँ। जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में चलता है वो कैट के थ्रू MBA चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चलता है उसकी बात करेंगे। तो 2021 का जो ऑथेंटिक कट ऑफ है, जो रियल में एडमिशन हुए थे, वो ही कट ऑफ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अगर जाओगे तो यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 2021 का। अब 2021 में पेपर पैटर्न क्या था कि 120 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल 480 हो गया। और ये 480 का 20% GDPI था, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। तो 480 का 20% निकालोगे तो 96 होगा, मतलब 576। तो जो भी है कट ऑफ है 576 मार्क्स में से है, आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 MBA है ना, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में 3 है आपका, एक FT है, एक RT है और एक FM है, ठीक है ना। मतलब फॉरेन ट्रेड है आपका, RI है, रिस्क इंश्योरेंस का है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। अब जनरल स्टूडेंट जो है कि FT में 341 था और RT में 340 और FM में 361। EWS कैंडिडेट जो थे उनका FT में 327 था, RT में 325 और FM में 355 था। OBC में 321 था FT में, RT में 315 था, FM में 335 था। SC कैटेगरी में आपका FT में 256 था, RT में 256 था और FM में 279। ST कैटेगरी में FT में 207 था और RT में 200 था और FM में 224 था। और आपका लास्ट में जो आपका इम्प्लाई वार्ड है ना, EPW मतलब इम्प्लाई वार्ड, जो BHU में उनके माता पिता इम्प्लाई हैं, उनके लड़के का कितना गया था आपको बता दें। FT RT उनके लिए नहीं होता है, बस FM होता है, जो कि 152 नंबर गया था ना लोवेस्ट। ये ध्यान रखिए, लोवेस्ट की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये लोवेस्ट है नहीं कि ये मैक्सिमम, ये सबसे लोवेस्ट है, इससे ऊपर वालों का ही हुआ था। फिर आपका PC फिजिकली चैलेंज, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं, तो FT में 168 और RT में 164 और FM में 128। अब ये आपका 576 में था। सर इस बार का क्या कट ऑफ होगा, तो आपको हम बता दें इस बार का कट ऑफ क्या होगा कि 2022 में जो MBA का कट ऑफ होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तो इसका था एग्जाम की तैयारी हम लोग करेंगे ना। तो 2022 का आप लोग ध्यान रखिएगा कि 100 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, तो टोटल 400 होगा। अब उसका 20% GDPI अभी होगा आपका, तो 480 में, मतलब वहाँ पे 576 था और यहाँ पे 480, तो कहीं ना कहीं आपका 100 नंबर का डिफरेंस है। तो इस बार एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, तो यह देखिए आपका जनरल में 310 है ना, मतलब विथ इंटरव्यू ओनली आंसर की क्योटिंग मार्क्स का मैं बता रहा हूँ। मैं आपका अभी 80 नंबर में आप इसमें से आंसर की निकाले होंगे, अभी 80 में आपका मार्क्स आएगा, 60 भी आ सकता है, 65 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, 50। तो जो बच्चे फ्री में GDPI जुड़ना चाहते हैं GDPI का तैयारी के लिए, आप अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप नंबर भी दिया उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, तो आपको फ्री में उसका तैयारी करा जाएगा। और बहुत सारे जो सीनियर है उनसे आपको बात कराया जाएगा, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे GDPI को कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो जनरल स्टूडेंट 310 के ऊपर अगर आ रहा है तो सेफ स्कोर है, ध्यान रखिएगा, ये सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यही फाइनल कट ऑफ नहीं है। और इसका मतलब यह नहीं होता कि इससे नीचे कट ऑफ नहीं जा सकता, इससे नीचे भी जा सकता है ना। ये बस एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है प्रीवियस ईयर के बेस पे, और इससे नीचे भी जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है, बट आप अगर इतने में हो तो आपका मान लेते हैं कि एडमिशन हो जाएगा। RT में आपका जनरल स्टूडेंट 300 है, FM में 320 है, EWS में आपका 300 है और EWS का FT में 300, RT में 298, FM में आपका 320 है ना। OBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका FT में 290, RT में 295, FM में 310। SC कैंडिडेट हैं तो FT में 230, RT में 230 और FM में आपका 250। FM का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। और ST कैंडिडेट है तो FT में 200 है और RT में 200 है, FM में आपका 210 है। इम्प्लाई वार्ड के लिए बस आपका FM होता है, तो 180 के ऊपर अगर आपका है या उससे कम भी होगा तो भी हो जाएगा।
और पीसी कैंडिडेट हैं तो आपका एफटी है तो 180, आरटी है तो 170 और एफएम है तो 140 के ऊपर अगर आपका रहेगा तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है ना। अगर आप जो न्यू एस्पिरेंट है 2023 का तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अल्पाइन क्लासेस ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे पेड कोर्सेस स्टार्ट कर दिए गए हैं और वहाँ पेड कोर्सेस में जाइए, देखिए कंटेंट सेक्शन, और अगर आपको अच्छा लगे तभी कोर्स को ज्वाइन करिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको इससे अलावा और कोई डाउट है बीकॉम बीए एलएलबी वगैरह का तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।